अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ चना चाट, जो कि तारी में बहुत अच्छी लगती है। तो चना चाट ये मैं इसमें इमली का गुद्दा, ये जो मैंने चाट किया है, ये डालूँगी। इसमें दही भी डलता है और इसमें इमली का पानी भी बना के डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हट के बनाऊँगी। तो इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने चने उबाल लिए हैं, आलू है मेरे पास, मैंने इसको पहले ही बॉयल कर लिया है, ये इमली है मेरे पास, आधा पाव से भी कम है, ये नमक है, चीनी है, 3 चम्मच चीनी है, 1 चम्मच मिर्च है, आधा चम्मच नमक है, ये मेरे पास चटनी है धनिया की, पुदीने की, मिर्च और नमक, ये चारों चीज़ें मैंने मिक्स करके चटनी बना ली है। मेरे पास एक टमाटर है बड़े साइज़ का, 2 बड़े साइज़ के प्याज है मेरे पास, 2 नींबूओं का ये मेरे पास रस है जो मैं इसमें डालूंगी। तो पहले मैं इसका सूप तैयार कर लूँ, इमली का सूप तैयार करती हूँ। इमली के सूप के लिए मैंने इमली, लाल मिर्च, नमक और चीनी, इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मैं शुरू करती हूँ इसका, मैं गुद्दा बना लूँ इमली का, तो फिर मैं दिखाती हूँ इसको मिक्स किस तरह करना। बिस्मिल्लाह, मैंने डाल दिया, इसको मैं तैयार कर लूँ। इसमें चीनी, नमक और ये चीज़ें मैं डाल दूँगी, तैयार करके मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में इसके ये चीनी डाल दूँगी और नमक और मिर्च भी साथ ही जाएगी, क्योंकि इन्होंने पकना है, मिर्ची कच्ची डालनी है, मिर्ची अच्छी तरह पक जाएगी। ये तैयार होता है तो मैं दिखाती हूँ मिक्स कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहुत अच्छे से ये इमली वाला जो मैंने बनाया है, कट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बहुत अच्छे से इसका सूप तैयार हो चुका है, ये इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा सूप तैयार हो चुका है, देखें बहुत अच्छे से बन चुका है, ठीक है। अब बस इसको मैंने मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैं सबसे पहले आलू जो मैंने बॉयल कर लिया है, आलू डाल लिए, इसके बाद चने डालने हैं। चने डाल लिए, साथ ही मैं इस पे डालूंगी प्याज। नींबू का रस, टमाटर मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें पहले ही इमली का सूप डालूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह मैंने सूप डाल दिया, इस पे डाल रही मैं धनिया पुदीने की चटनी।
चाट मसाला। हमारी चना चाट तैयार हो गई। लवादहु ला शरीक, हमें तमाम मुसीबतों परेशानियों से महफूज। ये देखिए बहुत अच्छी सी चना चाट हमारी तैयार हो चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत परेशानी से और कोरोना जैसी मुसीबत से महफूज फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी रहमत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये जरूरी नहीं है कि ओला किसी और पर्सन को डाल देगा, सच में ना जाए किसी के पैसे नहीं।